अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है आज हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम इस चर्चा को शुरू करें। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। ग्रह गोचर की जो स्थितियां होती हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सब पर ही नहीं, मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र पर इसका असर पड़ता है। ये खगोलीय घटना है जो स्वाभाविक रूप से घटती रहती है, लेकिन जब ग्रह गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो इनका विशेष प्रभाव क्या क्या पड़ता है, आज हम मर्करी ट्रांजिट पर बात करेंगे। बुध की स्थिति क्या रहने वाली है? बुध क्योंकि स्वग्रही होकर के उसी में उच्च और मूल त्रिकोण के भी होते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं बुध के कन्या राशि पर संचरण की। 1 अक्टूबर की रात्रि में, यानी कल आज रात्रि में ही, जो आज की रात्रि गई है, इसी में लगभग जो बुध के जाने का समय था, स्थानांतरण करने का समय था, 2:45 रात्रि में उन्होंने परिवर्तन किया। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि 27 सितंबर को बुध वक्री हुए थे। मैं इस पर भी एपिसोड आपके लिए लेकर के आया हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से देख सकते हैं। 10 को आज बहुत डीपली इस पर चर्चा रहने वाली, आप इसको प्रारंभिक से समझें। अपनी राशि पर जाने से पूर्व पूर्व के 5-7 आप जरूर समझें बात को, कि हम क्या आपकी राशि पर जो बातें बताने वाले हैं किस आधार पर होंगी। तो दर्शकों, साथ ही साथ में कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बुध जिस स्थिति में जा रहे हैं वहां पर पावरफुल हो जाएंगे और आपको बहुत चीजों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, सफलताओं का अंबार आपके पास आने वाला है और धन के लिए, धन के मामले में विशेषकर आपको बहुत, यहां पर आप बहुत कुछ करते हैं, एक अच्छे अचीवमेंट आप यहां पर कर सकते हो। तो दर्शकों, क्या उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मेष से मीन राशि पर्यंत। साथ ही आप इसी प्रकार के अध्यात्म ज्योतिष के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो देखिए, मेष राशि पर संचरण की हम बात करें, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बुध अपनी कन्या राशि में आएंगे, साथ ही साथ बुध वक्री हैं और रेट्रोगेट कोई भी ग्रह होता है। देखो, इसका मैं सिद्धांत आपको समझाता हूं, और जब तक आप सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक आपको उस बात समझ में नहीं आएगी। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, धन कहां से मिलने वाला है हमें, अचानक से कैसे मिल जाएगा, अचानक से कैसे हमारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, कैसे हमारा प्रमोशन हो सकता है, कैसे हम शिक्षा में यहां पर अच्छा अचीव कर सकते हैं। दर्शकों, वही मैं आपको सिद्धांत समझा रहा हूं। देखिए, बुध को नैसर्गिक व्यवस्था के अंदर राजकुमार की संज्ञा दी गई है। आप समझ सकते हैं, राजा की पावर राजा की होती है, लेकिन कभी कभी उनके नीचे काम करने वालों की भी ताकत उनसे बड़ी आकलन की जाती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको मंत्री से मिलना है तो पहले संतरी के साथ में व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको राजा तक पहुंचना है और अगर आपकी राजकुमार के साथ में तालमेल है, वहां आपकी केमिस्ट्री ठीक बैठती है, वहां आपका कोई परिचय है, हो सकता है आपका काम वहां जाने से पहले ही पूरा हो जाए। बुध इसी प्रकार से काम करता है। बुध बहुत तीव्र गति से जहां संचरण करते हैं, बहुत तीव्र गति से फैसले लेते हैं, युवा कहलाए जाते हैं, युवा प्लैनेट्स हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब एक युवा ग्रह जिसके हाथ में सत्ता के बहुत करीब जो है, राजकुमार का जिसके पास पद है, ऐसे में बुध कोई भी काम करता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हम चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन वह करता तेजी से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा अगर बुध की दशा आ रही है, बुध आपके लिए अनुकूल है, तो यूं सडनली आपके काम होंगे, लेकिन अगर कोई मृत्यु के सैया पर पड़ा है तो उसको झेलना नहीं पड़ेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा, वो वहां पर तुरंत डेथ। तो ये सारी चीजें, आज संत, आज विवाह हुआ, 9-10 महीने के बाद संतान, क्यों, वो योग बनाएगा, समझ गए। आज आपकी पढ़ाई पूरी हुई, 1-2 महीने के अंदर ही जॉब की व्यवस्था हो जाएगी। आज आप ट्रांसफर के लिए व्यवस्था बना रहे थे, व्यवस्था सोच रहे थे, और 1-2 महीने के अंदर बात बन गई। तो बहुत सडनली ये काम करते हैं, और कभी कभी तो दिनों में काम कर लेते हैं, लेकिन जब गोचर की वस्तु अवस्था में आते हैं, वक्री की अवस्था में आते हैं, तो एक सीमित समय होता है जब बुध बहुत अति तीव्र गति से कार्य करता है।
तो दर्शकों, खैर मैं चर्चा को बहुत लंबा यहाँ पर नहीं लूंगा, आप लोग उससे थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारी राशि पर ही सब कुछ बताना चाहिए, तो ठीक है दर्शकों हम चलते हैं आपकी राशि की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि की स्थिति क्या रहेगी आप समझ सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे ये लग्न के आधार पर है या राशि के आधार पर। देखिए जब भी गोचर की स्थितियां हम लोग बताते हैं या कोई भी बताता है तो वो राशि आपकी चंद्र कुंडली का आधार लेकर बताते हैं। दर्शकों आपको अपनी राशि ज्ञात है तो ठीक है, नहीं तो आप बोलते हुए नाम के आधार पर आज के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इसको इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर हम मेष राशि के हिसाब से चर्चा करें तो बुध आपके गोचर व षष्ठम भाव में आएंगे, जो कि आपके किस हिसाब से तृतीयेश और षष्ठेश बन करके, तृतीय भाव प्राक्रमेश बन करके और षष्ठेश बन करके आपके रोग ऋण रिपु के घर में बैठेंगे। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्यों? लेकिन एक चीज के लिए यहां पर अच्छा है, आप कोई कर्ज लेना चाह रहे थे या आपका कोई कर्ज गया हुआ था तो उसके वापस आने के चांस यहां पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, लोन सेंशन नहीं हो पा रहा था, तो इस अवस्था में बुध आपके लिए सपोर्ट करेंगे आपको इसी दौरान, क्योंकि लोहा जब गर्म होता है ना हमें तब ही उस पर प्रहार करना चाहिए। अगर हमने ठीक समय पर प्रहार किया है तो आप यूं समझ लीजिए आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। आप उसको जो भी आकार देना चाहते हैं उस आकार को आप सरलता से दे पाएंगे। तो दर्शकों कुल मिलाकर के मेष राशि की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आपको यहां पर बुध से रिलेटेड कुछ उपाय करने चाहिए। अब बरसात क्योंकि निकल चुका है, शारदीय शरद का जो है आगमन है, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा यहां पर एक आंवले का वृक्ष आपको बहुत जल्द हो सके तो इसी बुधवार को, क्योंकि बुधवार आ रहा है तो बुधवार को आपको इसको रोपित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको मूंग की दाल आपको किसी को दान करना चाहिए। आप हरे वस्त्र इत्यादि का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप रत्न धारण करने के इच्छुक हैं तो एक बार जन्म कुंडली का दिखा करके आप रत्न सलाह ले सकते हैं। आपकी छोटी बहन है तो आपको उनको कुछ भेंट जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ आप बुध के वैदिक मंत्रों का जप कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। तो दोनों बात यहां पे है दर्शकों, ये मेष राशि के लिए एक अच्छी एक व्यवस्था थी बुध के आगमन पर। द्वितीय राशि यानी हम वृषभ की बात कर लेंगे। वृषभ राशि के लिए यहां पर क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यदि आपकी कुंडली के अंदर से हम लोग यहां पर देख करके आए तो गोचर में आपके धनेश और पंचमेश बन करके वह स्वयं त्रिकोण में विराजित होंगे और खास बात है कि वक्री होकर के होंगे। तो यहां पर वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के बुध यहां पर आ रहा है, बहुत सारी संभावनाएं यहां पर बन रही हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस दौरान। और किस किस चीजों में कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं धन की किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, आपका कोई कोई आपका जो है जिसको फाइनेंस से संबंधित कार्य कहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो सकते हैं, पत्रकारिता जगत की हम बात करें, आपको हम बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें कार्य करने वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा साबित होगा। तो आप इस बात को समझ लें, वृषभ राशि के लिए त्रिकोण में यह आ रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात उपाय की कर लें तो आपको बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का आप सुबह शाम दोनों समय जप करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। आप चाहें तो जन्म कुंडली अवलोकन करने के पश्चात पन्ना धारण भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तृतीय राशि यानी मिथुन राशि की। जेमिनी की हम बात करें तो आपके हिसाब से देखा जाए तो गोचर में यह लग्नेश और चतुर्थेश होकर के यानी केंद्र में बैठेंगे, चतुर्थ भाव। अब हम बात कर लेते हैं कि तृतीय भाव की ये तृतीय यानी तृतीय राशि के स्वामी जब केंद्र में आएंगे, लग्नेश बनकर के आएंगे और चतुर्थेश बनकर के आएंगे, यदि हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्याएं आपके साथ जुड़ी भी थी, पीछा नहीं छूट रहा था, यहां पर वक्री बुध बहुत तेजी के साथ उससे आपको निजात दिलाने का कार्य करेंगे। जहां आप अपने कार्य क्षेत्र में उलझने या किसी भी चीज को फेस यहां पर कर रहे थे, आपको समस्याएं आ रही थी, अब आप इस दौरान इससे निजात पा सकते हैं। अपने जन्म कुंडली को एक बार विश्लेषण आप करवा सकते हैं और अच्छे स्तर तक आप पहुंचने के लिए इस महीने बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि आपको अति उत्तम लाभ यहां पर प्राप्त हो सकता है।
दर्शकों, खास बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि केंद्र में आएंगे और केंद्र के ही स्वामी बनकर के बुध यहां पर आएंगे। आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लें, अगर आप किसी प्रकार से वाहन खरीदने के लिए विचार कर रहे थे, माता के स्वास्थ्य में कोई अवरोधताएं थी, कोई वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, आपको उससे निजात मिलेगा। कोई इस प्रकार के खर्च की बाहुलता थी, अब उसमें यहां पर स्टेबिलिटी आएगी, साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में यहां पर आपको ग्रो करने का अवसर मिलेगा। व्यापार से जुड़े हैं, आपका होलसेल का कार्य है, आपका रिटेल का कोई कार्य है, या फिर आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, आप सोशल मीडिया का कार्य करते हैं, या आपका फाइनेंशियली कोई वर्क है, या आदान प्रदान का, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई कार्य है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से आपको उसमें अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। लॉटरी का आप काम करते हैं, सट्टा आदि करते हैं, शेयर बाजार में आपका निवेश है, आपको बहुत अच्छे सुखद परिणाम यहाँ पर बुध वक्री होकर के अपनी राशि में देंगे। इसमें बुध की स्थिति अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि वहां कुछ समय तक उच्च के रहेंगे, मूल त्रिकोण के रहेंगे, तो ये सब बातें वो डीपली विषय है। तो कुल मिलाकर आपकी राशि पर यहां पर अच्छे और सुखद परिणाम आपको यहां पर देंगे। अब हम बात कर लेते कर्क राशि की। कर्क राशि के हिसाब से देखा जाए तो ये द्वादशेश और तृतीयेश बनकर के आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे। मेहनत ज्यादा रहेगी, मेहनत ज्यादा रहेगी, पराक्रम बढ़ेगा। और एक चीज यहां पर है, देखिए कभी भी हम लोग अगर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं हमारा, तो मेहनत के बाद एक रहमत की स्थिति आती है। अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित रूप से आज नहीं कल आपको इंप्रूवमेंट होने के लिए एक समय आपको दिया जाता है, तो आपको निश्चित यहां पर रहना चाहिए। पराक्रम बढ़ेगा, निश्चितता यहां पर रहेगी, साथ ही साथ पराक्रम में ही यहां पर बुध आएंगे और द्वादशीस बन करके थोड़ा खर्च यहां पर बढ़ सकते हैं। और खर्च कब बढ़ते हैं, जब आता भी है तब खर्च भी होता है, तो आने के लिए यहां पर कोई ये नहीं कह सकते कि संभावनाएं नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्च की संभावना ज्यादा है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर कोई आपके पास पूंजी है तो आपको उसको इन्वेस्ट कहीं पर कर देना चाहिए, वरना ये खर्च में जा सकता है। खर्च कहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द्वादशीस होकर के बैठे हैं तो अनाप शनाप खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उस पर विचार करने के पश्चात ही उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो वेस्ट ना हो सके। बात कर लेते हैं हम अगली राशि, यानी हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2-5 का स्वामी बनकर धन भाव के अंदर होंगे, यानी द्वितीयेश और भाग्येश बनकर के, और ये भाग्य स्थान का स्वामी बनकर के आपके भाग्य में जहां आपको तेजी लाएंगे, जहां आपके भाग्य की हेल्प ये करेंगे, आपको भाग्यमान बनाएंगे, आपको लक्की बनाएंगे, वहीं बुध आपके लिए धन के मामले में बहुत अच्छा साबित होंगे। आपको आपकी जो अर्निंग के संसाधन है वो स्रोत आपके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी सफलताएं यहाँ पर बुध देने वाले हैं। महीने भर चौके और छक्के लगेंगे। आपको करना क्या है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, देख सकते हैं बुध की क्या स्थिति है, गोचर में क्या स्थिति चल रही है, गोचर में आपको बता ही रहा हूं। साथ ही साथ आप इन अवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं और बहुत कुछ इस महीने में कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, बिजनेस आप किसी प्रकार का करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करते हैं, फाइनेंशियली आपको फाइनेंस का कोई भी काम आपका है, तो आप ये मान के चलें कि आपको फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग करेंगे बुध। बहुत सारी अपार संभावनाएं आपके लिए बुध यहाँ पर ले करके आ रहा है। अगली राशि, अगर हम उपाय की आपके लिए बात करें तो आपको उपाय के लिए बनना सजेस्ट करता हूं, लेकिन इसको मैं आपको ये निश्चित कहूंगा कि अपनी जन्म कुंडली का आधार देकर ही गोचर में भी रत्न धारण करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें और समय मिले तो एक आंवले का वृक्ष आप किसी भी मंदिर में रोपित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कन्या राशि का। कन्या राशि के लिए ये लग्नेश और दशमेश होकर के लग्न भाव पर बैठेंगे, आपके केंद्र में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुध यहाँ पर अपार संभावनाओं को लेकर यहाँ पे आपके लिए आएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं थी, उससे उलझ रहे थे, जूझ रहे थे, वहां पर आपको निजात मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुध यहाँ पर, अगर आप किसी भी वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। जहां तमाम कुछ लंबे समय से मार्केट ग्रो नहीं कर रहा था, वहां अब बुध वक्री होकर जब अपने घर लौटे हैं तो बहुत तेजी के साथ उछाल मारेंगे। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि काम करते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं उसके बारे में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप उसे करें, बट
अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। वैसे इसका लाभ देखने के लिए हमें जन्म कुंडलिक आधार को भी सर्वप्रथम देख लेना चाहिए। दर्शकों आपको क्या करना चाहिए, प्रातःकालीन आप भी ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से जप करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही साथ आप अपने छोटी बहन अगर आपकी है तो ठीक है, आपकी छोटी बहन नहीं आपकी साली है या कजन आपके हैं तो आप उनको भी कुछ ना कुछ अच्छे गिफ्ट्स आप उनको दे सकते हैं। उनकी प्रसन्नता में ही बुध की प्रसन्नता होगी और बुध की प्रसन्नता में आपके लिए अपार संभावनाओं के दरवाजे आपके लिए खुलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बुध जहाँ वक्री होकर आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर आ रहे हैं, वहीं आपके मंगल आपके लिए जो है मंगल कामनाएं हम भी करते हैं। आप इस महीने अच्छे से एंजॉय करें और अच्छे से ग्रो करें। हम लोग बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए संचरण काल अगर देखा जाए तो द्वादशी और नवमेष बन के द्वादश के अंदर यह विराजित होंगे। वक्री बुध जहां आपके आपके द्वादश भाव में विराजित होंगे उसके कारण से आपके खर्चों में बाहुल्यता आ सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, आपके लिए यहां पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लक आपका साथ देने वाला है। भाग्येश बनकर के बुध वहां बैठेंगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सावधानी भी रखना है। रोग बढ़ सकते हैं, रोग खर्च की संभावना है, रोग में व्यय हो सकता है। ज्यादा अच्छा है कि आप कोई प्लान करके उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लें। व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पर मिलेगी, अच्छी संभावना यहाँ पर आपके लेकर के आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, खासकर जो टेलीकॉम सेक्टर में जुड़े हुए हैं, वाणिज्य के किसी भी क्षेत्र में छोटे बड़े उसमें आप जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकारिता के जगत में आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कहीं ना कहीं अगर आप लेन देन का कोई व्यवसाय करते हैं फाइनेंस का, आपके लिए यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफी स्ट्रॉन्ग इस दौरान यहाँ पर होने की संभावनाएं बनती हैं। दर्शकों हम लोग अगर अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, हम बात वृश्चिक की कर लेते हैं तो वृश्चिक में यह 8 और 11 यानी रोग भाव और अनिंग के भाव का स्वामी बनकर एकादश भाव में बैठेंगे। देखिए केंद्र त्रिकोण और एकादश भाव यानी 11वां घर कुंडली के अंदर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस हिसाब से हम देखें तो आपका कहीं ना कहीं एकादश में बुध का आना यहाँ पर वो भी अपने घर का होकर आना आपके लिए अपार संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर सतर्क भी रहना होगा क्योंकि अष्टमेश रोग का घर, रोग का लॉर्ड बनकर के भी लॉर्ड बनकर के ये आपके एकादश में, अच्छी बात यह कि वो एकादश में बैठे लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको सजग और सावधान तो रहना ही चाहिए। खासकर गले का रोग इस समय आपको सता सकता है, गले में टॉन्सिल बन सकते हैं, मुख में विकार हो सकते हैं, रक्त विकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पर हैं आपको उसमें ध्यान रखने का, यहाँ पर उसके लिए विशेष जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम उपाय की बात करें तो आपको प्रातःकाल और संध्या काल में ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस दौरान गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। वैसे गाय को चारा खिलाना या हरा चारा खिलाना या उनको रोटी खिलाना, गौ ग्रास निकालना, ये तो हमारे सनातन का अभिन्न एक हिस्सा है। लेकिन जब बात में उपाय की करता हूँ, जब आपको विशेष प्रस्तुतियों पर बताया जाता है तो आपको उस दौरान करना अत्यंत सुखद और सफल आपके लिए रहेगा। अगली राशि यानी हम लोग बात कर लेते हैं धनु के, जहां तृतीय और दसवें शुक्र के केंद्र में बुध आने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कार्य में आप इन्वॉल्व हैं जो कि सरकारी कार्य के क्षेत्र में आते हैं या सरकारी लोगों के इर्द गिर्द जो कार्य घूमते हैं, यानी आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप प्राइवेट अपना कोई कार्य देख रहे हैं, तो आपके लिए अपार संभावनाएं यहाँ पर बुध लेकर आएगा। आपकी वाणिज्य में, व्यापार में, वाणी में तीव्रता आएगी। आपकी यदि राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका प्रचम फैलने वाला है। खासकर उत्तराखंड के अंदर जैसे आप चुनाव भी आ रहे हैं तो आप अपनी अच्छी छाप प्रजा के अंदर छोड़ सकते हैं। तो दर्शकों आपको उपाय क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं लेकिन बिना जन्म कुंडलिक आधार देखे बिना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ आप
गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। आग का स्वितार्क की एक गणपति आप अपने पास में रखें, रक्त सिंदूर से उनको लेपित करने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के साथ। अगली राशि की हम फटाफट बात कर लेते हैं, यानी हम बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि के आधार पर देखा जाए तो तृतीय और नवमी बनकर के नवम भाव के अंदर यानी त्रिकोण के अंदर बुध यहां पर विराजित होंगे। यहां पर भाग्य आपका साथ होगा और भाग्यम फलति सर्वत्र अनविद्यान च पौरुषम। यदि भाग्य आपके साथ है, भाग्य मेहरबान तो गधा पहलवान हो सकता है, तो भाई मनुष्यों की यहां पर क्या बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अपार संभावनाओं का योग संयोग यहां पर भूत आपके लिए लेकर के आ रहा है। परिश्रम प्राकर और भाग्य दोनों का लॉर्ड बनकर के आ रहा है। जहां आप अपनी छाप को छोड़ते चले जाएंगे, जहां आप अपना वर्चस्व को फैलाते चले जाएंगे, जहां आप अपनी मेहनत को रहमत में बदलने के लिए आप तत्पर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इस महीने पूरी मेहनत झोंक लेनी चाहिए। आपका भाग्य आपके साथ में, जो कुछ भी करना चाहते हैं उससे निपटा डालो आज और अभी इसी वक्त। आप अपने काम पर फोकस कीजिए। यहां पर अपार संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा ओम गंग गणपते नमः गणपति का यह मंत्र आपके लिए हर प्रकार से निर्विघ्नता की ओर आपका कार्य होगा। कहीं भी आप जा रहे हैं इस मंत्र के उच्चारण के साथ जाएं, 5 बार इसको जपें, फिर आप अपने गेट से बाहर निकलें, फिर देखिए क्या चमत्कार आपको अपने जीवन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हम बात कर लेते हैं मकर के बाद कुंभ राशि की। कुंभ राशि की हम बात करें तो ये पंचमेश और अष्टमेश बनकर के अष्टम भाव के अंदर विराजित होंगे। कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तत्नक अचानक से जो है आपको कहीं ना कहीं रोग आदि व्याधि का सामना करना पड़ सकता है। आपको कहीं ना कहीं रक्त में इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। गले इत्यादि के रोगों की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर रक्त संभावनाएं हो या फिर गले में रोग होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं। दर्शकों यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और मीन राशि की। मीन राशि के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर के केंद्र यानी सप्तम भाव के अंदर विराजित होंगे बुध। यदि कहीं ना कहीं विवाह में विलंब हो रहा था, अब जो आपको यहाँ पर संभावनाएं बनती मिल जा रही, कहीं मैरिड लाइफ में या उथल पुथल की स्थितियां चल रही थी, तो आपको यहाँ पर सजग आपको रहना चाहिए। अब आपको कहीं ना कहीं सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप इसमें कहीं ना कहीं आप सुधार की स्थिति में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ विवाद था, लव पार्टनर हो लाइफ पार्टनर हो, तो आप यहाँ पर उसको सुलह करा सकते हैं। बुध आपको बहुत तेजी के साथ आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। साथ ही साथ बुध यहाँ केंद्र में धन के मामले में कहा जाए तो आपको अपार संभावना यहाँ पर है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। किसी भी काम को स्टार्ट करना चाह रहे तो ये समय आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नवरात्रि भी हैं, साथ साथ में माँ जगदम्बा की उपासना जरूर करें। और हाँ, इन्हीं नवरात्र के पीरियड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नया स्टार्टअप कोई चालू करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आप किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश का विचार बना रहे हैं, गोल्ड आदि में आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप इस दौरान कर सकते हैं। सट्टा लॉटरी आदि से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, फाइनेंस आप इधर उधर लेन देन का कोई आपका कार्य है तो आप यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। LIC से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई बीमा आप लोग कराते हैं, इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, या वाणिज्य में आप जुड़े हुए हैं, या पत्रकारिता जगत में आपकी स्थिरता है, तो आपको बुध यहाँ पर अच्छी स्टेबिलिटी आपको देने वाले हैं। तो दर्शकों मेष से मीन राशि पर्यंत सभी के लिए बुध क्या लेकर के आ रहा है, क्या सावधानी, क्या उपाय, इस तमाम विषय पर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। वीडियो आपको कैसे लगी आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने इष्ट मित्रों के साथ में। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न आपका होता है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। प्रश्न आपका व्यक्तिगत नहीं, इस एपिसोड से संबंधित होना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।